2 अप्रैल को जो घटना घटी, इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। दूसरे वर्ग के लोग प्रदेश स्तर पर या एक दो प्रदेश स्तर पर बंद करा देते थे, लेकिन पूरे भारत वर्ष में इसका असर रहा। यह बहुत ही, यह कभी हुआ ही नहीं। और दूसरी बात है कि यह वर्ग कभी ऐसा नहीं कर सकता है, ये लोगों के अंदर सोच थी। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विशेष रूप से है, सुप्रीम कोर्ट भले कहे कि हमने एक्ट के साथ में बदलाव नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन किया है। तो ज़्यादातर ये जो गुस्सा है न्यायपालिका के खिलाफ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस देशवासियों को कि चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के किसी वकील का नाम की जब सिफारिश करते हैं जज के लिए, तो क्या उस वकील का कोई इंटरव्यू होता है? क्या वो रिटन टेस्ट लिया जाता है? या उसके द्वारा लड़े गए मुकदमों की स्क्रूटनी होती है? तो इसीलिए लगभग 200 परिवार हैं जिसके इर्द गिर्द ये जुडिशरी घूम रही है। रिक्रूटमेंट तो बंद है और काफ़ी बंद है। प्राइवेटाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, आउटसोर्सिंग है, पहले से चला आ रहा है, तो काफ़ी रोजगार है नहीं। और जो गवर्नमेंट जॉब है ये लाइफ लाइन है SC ST का, और शिक्षा में आरक्षण, और कोई इनके लिए आयाम नहीं है, ये रोजगार भी नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में नहीं, मार्केट इकोनॉमी इनके पास, उद्योग नहीं है, ज़मींदार नहीं है, मीडिया ही नहीं इनकी अपनी है, तो जाएं तो जाएं क्या। हमारे देश में जज को भगवान मान लिया गया है कि जज गलती कर ही नहीं सकते। यहाँ पे जरा सा भी कोई बात हो जाए तो जुडिशरी सब लोग चिल्लाने लगते हैं, पत्रकार भी, जुडिशरी भी, हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप है। हमारी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना करके इसका कुछ रास्ता निकाला था, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो जज ही जज बना रहे हैं, जब यही 93 से पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, बागडोर यही है, मालिक यही है, इनके ऊपर कोई नहीं, कोई नीचे नहीं है, तो 3 करोड़ मुकदमे क्यों लंबित पड़े हुए हैं।